डीमो स्टेटिस्टिक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले मैथमेटिक्स सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 9 रैशनल नंबर। ट्राई दिस पेज नंबर 187। तो देखिए, हमने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है, तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड 7/9 माइनस 2/5, ठीक ना। तो हमें इसको निकालना है, तो पहले आप क्या करेंगे, आप दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लीजिए। तो देखिए 9 और 5 का एलसीएम, 9 और 5 जो है ना वो को प्राइम नंबर है, मतलब जिनका कॉमन नंबर मतलब कॉमन जो डिवाइजर है वो 1 है। तो यहाँ पर इनका एलसीएम जो होगा वो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 45, ठीक है। तो अभी आप क्या करेंगे, आप 9 से 45 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 5 मिलेगा। उस नंबर को आप इस न्यूमरेटर से इंटू करेंगे, मतलब 7 × 5। तो आपको हम समझाने के लिए यहाँ पे लिखते हैं 7 × 5, ठीक है। माइनस देखिए, अभी देखिए 5 से अगर 45 को डिवाइड करेंगे तो 9 मिलेगा, तो यहाँ पे हमें वो 9 को 2 से इंटू करना है, तो 2 × 9, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिल गया, यहाँ पे मिल गया 35 माइनस 18, ठीक है, बाय 45। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 17 by 45, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसका नेक्स्ट देखिए, ये हमें इस नंबर को सॉल्व करना है, तो क्या है वो नंबर, 2 whole 1/5 माइनस ब्रैकेट में 1 − 1/3, ठीक ना। आपको इसको सॉल्व करना है, तो देखिए इसको मिक्स फ्रैक्शन में इसको हमें इम्प्रॉपर में लाना है, तो इम्प्रॉपर में कैसे लाएंगे, देखिए 2 × 5 10 10 + 1 11, तो हो गया 11/5, ठीक है। देखिए अभी आपको दो साइन है यहाँ पे, यहाँ पे माइनस ब्रैकेट में वो माइनस है और बाहर जो है ना वो माइनस है। आपको याद रखने का सबसे आसान तरीका है, अगर दोनों सेम साइन है तो इंटू करने से हमेशा सेम साइन आता है, ठीक ना। ये इंटू के केस में होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करें आप, अगर दो सेम साइन को मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो जाएगा, अगर आप डिफरेंट साइन को मल्टीप्लाई करें तो माइनस होगा, ठीक है। आप बस इतना याद रखेंगे, आपको ऐसा याद नहीं रहता है प्लस इंटू प्लस प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, वैसा आपको याद नहीं रखना है। सेम साइन है, बाहर भी इंटू भी सेम साइन से हो रहा है, दो साइन जो है ना वो दोनों सेम इंटू हो रहा है, तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे प्लस हो गया, तो आपको क्या मिल गया 1/3 मिल गया, ठीक ना। तो ये आ गया आपका 15। देखिए अभी आपको एलसीएम करना है, तो यहाँ पे आ गया 15, 5 से आप 15 को डिवाइड कीजिए, तो ये आ गया 3, 11 × 3 33 प्लस, या डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 5, तो ऊपर में आ गया 5, तो 38/15, ठीक ना, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ ये टाइजिस यहीं पे कंप्लीट होता है, उम्मीद करते हैं आपको ये टाइजिस समझ में आया और इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो कम से कम पूछिए, हम आपके डाउट क्लियर करने की, अपनी कन्फ्यूजन करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने शेयर कीजिए, और ऐसे ही आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जब बनेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।